कोई भी इस दुनिया में कोई आराम से कोई शेरी छोड़ नहीं सकता। ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि मनुष्य मरने के बाद फिर उसका पाप कर्म की सजा कहाँ भोगते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोगों को दिखाई देते हैं कि दुनिया में वो बहुत गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन पाप कर्म करते भी वो पैसों से सब कुछ छिपा देते हैं, ढक देते हैं और मौज मस्ती से भी जीते हैं, ऐशो आरामों में जीते हैं। ये सब कुछ देखकर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि दुनिया में तो कोई न्याय ही नहीं है, और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पाप कर्म करने के बाद मरने के बाद उसको धर्मराजपुरी में सजा मिलती है। लेकिन धर्मराजपुरी कहाँ होती है, कैसे धर्मराजपुरी में सजा मिलती है, ना किसी ने आज तक कोई देखा है, ना उस प्रकार से किसी को ये बातें समझ में आती हैं कि इस पाप कर्म करने का फल इस रूप में वो सजा भोग रहे हैं, ये भी किसी को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए ये दुनिया की ये बातों को देखकर कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान भी कोई न्याय नहीं करते हैं, भगवान भी कोई विचार नहीं करते हैं, आखिर भगवान है कि नहीं है। तो आज यहां हम सुना रहे हैं कि मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल उनको अवश्य मिलता है, और अगर कोई यहां पाप कर्म करते हैं उस पाप कर्म करने का फल उसको 7 प्रकार से उनको सजा मिलते हैं। कैसे, एक एक बात को आपको समझना है। पहली बात कि इस दुनिया में कोई कुछ भी करे एक दिन मरना तो है ना, इस दुनिया में मृत्यु भी एक मृत्यु का दंड मिलता है। कोई भी इस दुनिया में कोई आसानी से आराम से कोई शरीर छोड़ नहीं सकता, ये शरीर को छोड़ना भी एक मृत्यु के दंड से शरीर छोड़ना पड़ता है। अर्थात कोई फांसी लगा के शरीर छोड़ते हैं, कोई आग में जलकर कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई पानी में डूबकर शरीर छोड़ते हैं, कोई जहर पीकर शरीर छोड़ते हैं, कोई तलवार के धार से कोई शरीर छोड़ते हैं, कोई गोली खाकर शरीर छोड़ते हैं, इस प्रकार से कोई ना कोई सजा भोग कर ही शरीर छोड़ते हैं। आसानी से आराम से कोई शरीर छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी यहां पाप कर्म करते हैं इस प्रकार से कोई एक दंड से ही वो शरीर छोड़ते हैं। ये तो हम सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, लेकिन और जो 6 प्रकार से जो सजा मिलती है वो स्वयं भगवान निराकार परमात्मा इस ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाए हैं वही हम सुना रहे हैं। और दूसरी बात, जब आत्मा कोई शरीर छोड़ने का समय होता है, शरीर छोड़ते समय उसको धर्मराजपुरी का सजा का अनुभव होता है। कैसे, स्वयं भगवान ने जो सुना है कि शरीर छोड़ते समय आपने किया हुआ जो भी पाप है वो डरवाने के रूप में उनके सामने आते रहता है, वो चाहते हुए भी उनको सामने से हटा नहीं सकते, बुद्धि से वो निकाल नहीं सकते, वो जैसे कि उनके सामने बड़े बड़े पाप बड़े बड़े भूत के समान लगते हैं, वही उसके सामने जैसे यमदूत जैसा लगता है। बाकी चैतन्य में कोई यमदूत नहीं आते हैं, लेकिन अपने किए हुए पाप ही उनको यमदूत जैसा लगता है, और ऐसा कष्ट का अनुभव करते हैं जैसे चमड़ी को कोई खींच रहे हैं, और थोड़े समय के अंदर ऐसा वो अनुभव करते हैं जैसे कई लंबे समय से वो बहुत कष्ट भोग रहे हैं, यही उनको पाप कर्म की सजा का अनुभव होता है। और तीसरी बात, शरीर इस प्रकार से कष्ट से दर्द से शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा दोबारा शरीर लेने के लिए गर्भ में प्रवेश करते हैं, गर्भ के अंदर भी उसको सबसे बड़ी सजा मिलती है। कैसे, जैसे इस दुनिया में कोई पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और जेल में बंद होकर ही उनको पाप कर्म की सजा का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार ये गर्भ भी उनके लिए गर्भ जेल है, जेल समान है, और ऐसा जेल जैसे कि एक अंधेरी कोठरी, रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है, अंदर में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाहर का सब कुछ सुनाई देता है, कोई जानवरों की आवाज, कोई मोटर ट्रेन की आवाज, कोई मनुष्य की आवाज, सब कुछ आवाज सुनाई देते हैं, और अंदर में वो भय से पश्चाताप से घड़ी घड़ी मरने का कष्ट पीड़ा दर्द का अनुभव करते हैं, जैसे कोई सपनों में कोई दर्द पीड़ा का अनुभव करते हैं, कोई सजा का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार वो गर्भ में हमेशा ही वो दुख कष्ट या पीड़ा का वो अनुभव करते रहता है।
और चौथी बात है, जब आत्मा वो जन्म ले लेता है, जन्म लेते ही कोई ऐसे होता है कि जन्म लेते ही अंधे लूले लंगड़े अपांग होकर जन्म लेते हैं। इस प्रकार से जन्म लेना यह भी पिछले जन्म का कर्मों का फल स्वरूप ऐसा जन्म मिलता है और जीवन भर उसका दुख झेलते रहता है, उस संपूर्ण सुख से वह वंचित का अनुभव करते हैं। तो उसके लिए वो भगवान को कभी दोषी ठहरा नहीं सकते, उसका वो कर्म का फल स्वरूप उस प्रकार से उनको सजा मिलते हैं। और पांचवी बात है कि संबंध भी हमें उस प्रकार से मिलते हैं, अर्थात कोई अगर भिखारी के घर में जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो भिखारी हो जाता है, जन्म लेने के बाद जो उनका मित्र संबंधी या रिश्तेदार मिलते हैं वो भी उस प्रकार से मिलते हैं जो सभी उनको दुख ही देते हैं, कोई उनको सुख नहीं देते हैं। और छठी बात है कि ना चाहते हुए भी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाना, कोई वस्तु से पदार्थ से उनको दुख पहुंचना, अर्थात कोई अचानक गिर पड़ते हैं, कोई अचानक बड़े रूप में कोई चोट लग जाते हैं और दुख कष्ट या पीड़ा का वह अनुभव करते हैं, जिसके लिए भी वो किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते, अर्थात कोई वस्तु से पदार्थों से उनको वो दुख पहुंचता है। और सातवीं बात है कि प्रकृति के द्वारा उनको सजा मिलती है, प्रकृति भी उनको साथ नहीं देते हैं। कभी आप इस प्रकार से देखते हैं, कभी अचानक बहुत गर्मी में वो तड़पते रहते हैं, या तो कभी बहुत ठंडे में कोई तड़पते रहते हैं, और कभी कोई अचानक बाढ़ आ जाते हैं, कोई उनका सब कुछ नष्ट कर देता है, पानी में डूबकर कोई मर जाते हैं, कोई अचानक कभी भूकंप आ जाता है जो उनका सब कुछ नष्ट कर देता है और वो दुख या कष्ट का अनुभव करते हैं, भूकंप में कोई दब कर कोई शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए वो किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते हैं, ना किसी से वो बदला ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी यहाँ कर्म करते हैं, अगर कोई पाप कर्म करते हैं, इस प्रकार से सात प्रकार से उनको वो सजा मिलती है। भगवान क्या कहते हैं, इस दुनिया में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता है। इस दुनिया में जिसके साथ जो कुछ हो रहा है वो पिछले कर्मों का फल स्वरूप ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हम वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान को देखकर हम ऐसा कहते हैं, सोचते हैं कि दुनिया में भी बेरहमी करते हैं, दुनिया में भी कोई न्याय नहीं है, भगवान के पास भी कोई न्याय नहीं है, भगवान भी कोई विचार नहीं करते हैं। ये सिर्फ हम वर्तमान को देखकर हम सोचते हैं, इसलिए हमें संपूर्ण ज्ञान को समझने की हम कोशिश करना है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी है सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार से कोई भी पाप कर्म करने से हम बचे रहें। ओम शांति।